Yeah. Good morning, girls. I'm very happy to invite our Professor SVSS Narayan Raju, sir, from Tamil Nadu University. Namaste, sir. Namaste, madam. Yes. So, I think all of you know about Ramayana, our epics, great epics. And we are dealing with the human values also. So, today we would like to invite Dr. SVSS Narayan Raju. Narayan Raju garu for this auspicious meet. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी सर के बारे में. नारायण राजू सर हमारे जूनियर रहे जैसे पीजी स्टडीज में, बाद में वे और भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए. बहुत अच्छा लगता है सर के बारे में बोलने के लिए भी, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ. और वे आजकल तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे रजिस्ट्रार के रूप में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के रूप में कार्यरत हैं. और उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए और उनके यहाँ 20 से ज्यादा पीएचडी हुए, 70 तक एमफिल्स भी उन्होंने शोध निर्देशन किया उनका. और आज वे हमारे साथ सम्मिलित हैं और साहित्यश्री सम्मान से साथ में युवा हिंदी पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा वे सम्मानित हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से वे नवाजे गए. साथ में हिंदी साहित्य के प्रति निष्ठावान हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है. हर दिन उनका जरूर हम देख सकते हैं. यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको पोस्ट करूंगी. और रामचरितमानस के बारे में हो या कुछ भी हो, मन साहित्य की विविध विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और उन पर अनेक प्रकार के प्रवचन भी देते आ रही है. और आज हमारा हो भाग्य है वे हमारे साथ हैं और वे अपने प्रवचन से, प्रवचन ही मैं कहती हूँ क्योंकि मानव मूल्य कितना महत्व रखते हैं हम सब जानते हैं. हर एक व्यक्ति के जीवन में मानव मूल्यों की आवश्यकता है, मूल्यों की आवश्यकता है, खासकर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता. ये सब हम कहाँ से सीख सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स लाइक मॉरल एजुकेशन वी नो नाउडेज वी आर टीचिंग इंडियन कल्चर एंड साइंस और इसके द्वारा हम सीख रहे हैं. ज्यादातर पर्यावरण से सीखते हैं और हम अपने जो बुजुर्गों से सीखते हैं. वी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स और फ्रेंड्स और टीचर्स. मेनी पीपल आर देयर टू टीच अस वैल्यूज. और आज हम रामायण के बारे में हम जानना चाहेंगे, रामचरितमानस में मानव मूल्य क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं आचार्य नारायण राजू को आमंत्रित करती हूँ. नमस्ते सर, आइए और अपना प्रवचन शुरू करें. ओम श्री वेंकटेशाय नमः. सबसे पहले सेंट जोसेफ मेंस कॉलेज विशाखापट्टनम के सेकंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड लैंग्वेजेस, खासकर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पी के जयलक्ष्मी जी, मैं तो औपचारिक रूप से जयलक्ष्मी जी कहता हूँ लेकिन वो हमारी दीदी है और बिल्कुल सीनियर की बात नहीं, वो हमारी हितैषी कहता हूँ. क्योंकि अगर जो मुझको कुछ अच्छा, अगर कोई कुछ लाभ हुआ तो बहुत प्रसन्न होने वाले और बहुत खुश होने वाले कम लोगों में प्रोफेसर जयलक्ष्मी जी भी एक हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आप अभी फिलहाल जयलक्ष्मी जी पीएस में हैं, इतने समय अंतराल के बावजूद भी आपके साथ मिलने के लिए और एक बार मुझको ये सुअवसर प्रदान किया. इसके पहले मैं आज समय का भी कुछ पाबंदी है, इसीलिए मैं इसको ध्यान में रखकर मैं सीधा विषय के अंदर आना चाहता हूँ. आज का जो विषय है रामायण में मानव मूल्य. जब भी मूल्यों की बात करते हैं आमतौर पर साधारणतः मूल्य मतलब जैसे पुस्तक में मूल्य देखते हैं, बाजार में मूल्य देखते हैं और हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के मूल्यों की चर्चा करते हैं. हेनरी एस्बन टेलर कहते हैं वैल्यू इज वैनिटी, मूल्य अपने आप में परिवर्तनशील. आप जिस नजरिए से देखते हैं उसके हिसाब से मूल्य परिवर्तन हो जाता है. अगर कोई एक बहुत कीमती वस्तु चाहे सोना हो हीरा हो, जिसके जो वैल्यू जानते हैं उनको दिए तो बहुत सुरक्षित रखता है. अगर वही चीज को एक छोटे लड़के को दिए तो उससे खेलता है, अगर उनको गुस्सा है तो फेंक भी देता है. क्योंकि ये मूल्य वस्तु में नहीं, वस्तु को देखने वालों के अंदर रहता है.
क्योंकि सोना मेरे लिए बहुत मूल्य हो सकता है, कोई एक सन्यासी रहता है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऐसे ही अनदेखा करके चले जाते हैं। तब तो मूल्य वस्तु में है या देखने वालों के, जो देखने वालों के मतलब जिनके उपयोग करते हैं उनके आधार पर मूल्य परिवर्तित होती रहती है। ये साधारण मूल्य की बात है, लेकिन जब हम अपने जीवन में बात करते हैं, अगर इस प्रकार रहना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार ना करना चाहिए, इस प्रकार के आम तौर के हम बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या कोई कसौटी है या नहीं, पर हमको बहुत बार संदेह आते हैं। लेकिन अगर मैं जो कसौटी कहता हूं दूसरे लोगों को अच्छा भी लगे ना लगे, मैं इसके लिए नहीं कह सकता। तो आम तौर पर जब भी हम मूल्य की बात करते हैं, मानव ही मूल्यों का निर्धारण या संचालन करता है, कैसे उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। उस तो अपने आप में मूल्यवान की बात नहीं, देखने वालों के आधार। अब मैं जीवन मूल्य या मानव से संबंधित विभिन्न मानव मूल्यों की मैं अब थोड़ा संक्षेप में, खासकर हम सब जानते हैं, आज भी किसी भी भाषा में बचपन से भी हमको सिखाते हैं कि रामा इज ए गुड बॉय, तेलुगु में बताते कि रामुड़ मंची बाल, क्या राम के बाद कोई अच्छा लड़का नहीं है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए आदर्श। जब हम किसी माँ या साध्वी की चर्चा करते तो सीता माँ ही हमको याद आती, क्या ये संदेह नहीं है कि सीता के बाद कोई लड़की अच्छी नहीं है क्या, वो बात नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे राम या सीता हमारे लिए एक मानदंड है, क्योंकि ये एक कसौटी है, किस प्रकार रहना किस प्रकार ना रहना, क्या करना क्या नहीं करना, रामायण के दो तीन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं बालकांड की एक घटना के माध्यम से कौशल्या जी राम से क्या मांगती हैं, उसके द्वारा हमें भगवान से क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, इस मूल्य से संबंधित एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बालकांड में एक दिन जब बिल्कुल राम एकदम छोटा था, उस समय क्या हुआ, एक दिन एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पलना पौडाए, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेत कीन ही स्नान। देखिए एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा एकदम छोटा लड़का है, उनको स्नान वान सब करके उनका श्रृंगार करके उनको सुलाने के बाद मतलब श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, उनके इष्ट देव भगवान सूर्य देव को पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई वगैरह, क्योंकि महारानी तो आई ही। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ वहां देखिए, जब वो लौट आई तो क्या हुआ, बहुरी मात तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाए। भगवान श्री राम जो नैवेद्य भगवान को अर्पित करके गई थी, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु बैठ के आराम से वो नैवेद्य खा रहे, छोटा लड़का है दूध पीने वाला लड़का है, ऐसे आते वक्त इसको देख कर कौशल्या खूब डर जाती है, डर के तुरंत जहां, क्योंकि वो तो चलने में भी मुश्किल हो, चल नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे भगवान जहां सोने के लिए छोड़ दिया वहां से कैसे आ गए, तुरंत वहां जाके वो पुत्र के पास गई तो वहां बालक आराम से सो रहा है, इधर आके पूजा घर में देखते हैं तो बैठ के आराम से प्रसाद खा रहे हैं। तो इसको देख कर बहुत, क्योंकि माता तो माता ही है, क्योंकि कौशल्या हो लेकिन उनके पुत्र तो है सर्वम सहा चक्रवर्ती प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन माता के लिए तो पुत्र है, वो इतना डर जाती है। तो
यहां वहां दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेष देख राम जननी अकुलारी प्रभु हस दीन मधुर मुस्कान। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी तो जगन्नाटक सूत्रधारी है, माँ को देखा माँ बहुत घबरा रही है, तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लीला दिखाए हैं। प्रभु एकदम अपने दिव्य दर्शन मतलब प्रभु का दर्शन देते हैं, तो उस अद्भुत दर्शन देखने के बाद माँ बहुत खुश हो जाए। हम सब जानते हैं कृष्णावतार में यशोदा को भी इस प्रकार संपूर्ण 14 लोकों का दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ राम ने भी